अफगानिस्तान गृह युद्ध की कगार पर है। स्थिति इतनी खराब है कि अमेरिका के अचानक अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात और भी बिगड़ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के एक बयान ने अफगानिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ये बयान अफगानिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अफगानिस्तान मान रहा है कि भारत ही अब उसकी मदद कर सकता है, लेकिन भारत भी एक दुविधा में फंसा है। ये दुविधा क्या है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। अफगानिस्तान में स्थिति कितनी खराब होती जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगान वायुसेना के MiG-24 हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस हेलीकॉप्टर को भारत ने दोस्ती की मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान को सौंपा था। इस हेलीकॉप्टर के पास तालिबान लड़ाकों की मौजूदगी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को पहली बार साल 2015-16 में 4 MiG-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे। अफगानिस्तान बार बार भारत से मदद मांग रहा है और भारत जहां तक हो सके मदद कर भी रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान में अपनी भूमिका निभा सकता है। अगर कोई ये मान रहा है कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सीधे तौर पर कोई मिलिट्री एक्शन ले ले, तो वो गलत होगा। भारत के पास रूस और अमेरिका के रूप में दो ऐसे बड़े उदाहरण हैं, जिससे ये साबित होता है कि सीधे तौर पर मिलिट्री एक्शन लेना या अपने सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। भारत अगर तालिबान पर हमला कर देता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है, तो भविष्य में अफगानिस्तान में जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार भारत को ही बताया जाएगा, और भारत ये बखूबी समझता भी है। इसीलिए भारत जहां तक हो सके बातचीत के रास्ते ही स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। भारत पूरी ताकत के साथ दुनिया के कई देशों से इस बारे में बात कर रहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति बातचीत से ही सुलझाई जाए। अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलते ही भारत ने अफगानिस्तान पर एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत वैसे तो कोई मिलिट्री एक्शन अफगानिस्तान में नहीं लेगा, लेकिन कुछ हद तक भारत अफगानिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स देकर मदद कर सकता है। अफगानिस्तान सदियों से बरियल ऑफ मॉनेस्ट्रीज के तौर पर जाना जाता रहा है। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की हर बड़ी ताकत ने पता नहीं कितनी सदियों में कोशिश की, लेकिन कभी भी अफगानिस्तान पर कोई राज नहीं कर पाया। हाल के इतिहास को अगर देखें तो दुनिया की दो महाशक्तियां यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही अफगानिस्तान से बहुत बड़ा नुकसान उठाकर और नाकामयाब होकर भाग गए। अफगानिस्तान एक बार फिर से सुलग रहा है। अगले कुछ महीनों तक या ये कहें सालों तक अफगानिस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर रहेगा। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि उस वहां से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों ही जगह कार्रवाइयां की जा सकती हैं, और इसीलिए अफगानिस्तान हर महाशक्ति के लिए जरूरी होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के जाने के बाद जो शून्य पैदा होगा, जो वैक्यूम होगा, उसको कौन भरेगा? क्या भारत या चीन? चीन ने पहले ही अपनी दावेदारी पेश कर दी है, क्योंकि चीन को अफगानिस्तान की जमीन और वहां के संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। भारत पिछले 20 सालों से गुडविल मिशन के तहत अफगानिस्तान में निर्माण संबंधी परियोजनाओं में बहुत पैसा लगाता रहा है। वहां पर शिक्षा, सिंचाई और दूसरी जनता की भलाई के कार्रवाइयों में भारत ने बहुत योगदान दिया है, लेकिन भारत कभी भी अफगानिस्तान में सैनिक उपस्थिति दर्ज कराएगा इसकी संभावना बहुत कम है। भारत जरूर फर्स्ट और सेकंड अफगान वॉर से शिक्षा लेगा, जो भारतीय सेना ने यूनियन जैक यानी ब्रिटिश एम्पायर के तले की थी और जो दोनों ही अभियान पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। पहले और दूसरे अफगान युद्ध में भारतीय सेना, जो कि उस वक्त जाहिर है कि ब्रिटिश सेना थी, उसने बहुत बड़े नुकसान अफगानिस्तान में उठाए थे और बहुत बुरी तरह अपमानित होने के बाद पीछे हटना पड़ा था। इसलिए संभावना इस चीज़ की बहुत कम है कि भारत अपने सैनिक वहाँ भेजे, सैनिक उपस्थिति बनाए। भारत वहाँ दूसरे तरीके से अपनी दावेदारी बढ़ा सकता है, दूसरे तरीके से अफगानिस्तान की मदद कर सकता है, शायद हथियारों के तौर पर भी, लेकिन भारत वहाँ अपने सैनिक भेजेगा इसकी संभावना बहुत कम है।
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.